दिल्ली के देवली गांव में स्थित श्री राम बारात घर में आज दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने गरीब व विधवा मजदूर लोगों को 5100 और 11000 के चेक का वितरण किया। करीब 110 लोगों को ये चेक जो है दिया गया। ONGC के सहयोग से ये चेक जो है वो वितरण किया गया। और आपको बता दें कि यहाँ पर गरीब लोगों ने काफ़ी खुशी भी जाहिर करी। जी, इस कार्यक्रम में दक्षिणी दिल्ली सांसद रमेश बिधूड़ी और साथ ही देवली विधानसभा दक्षिणी दिल्ली के गरीब विधवा बहनों को, स्कूलों में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली बच्चों को, भारत सरकार के उपक्रम संस्थाओं के माध्यम से 10वीं कक्षा तक के बच्चों को 5100 रुपये तथा 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को 11000 रुपये की राशि का जो चेक है वो दिया गया। इस मौके पर आपको बता दें कि जिला महामंत्री बलबीर सिंह बल्ली, निगम पार्षद दीपक जैन, पूर्व मंडल अध्यक्ष विजय सहगल व दिलीप चौहान व विनोद पासवान और बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देवली गांव की। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि देश के अंदर गरीबों का हक छिनता रहा है, जो अपने अधिकारों से वंचित उपेक्षित वर्ग रहा है। ये पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनका CSR जो फंड है उसके माध्यम से गरीबों की, जो विधवाओं के बच्चे हैं, विडो कोई हो गई है किसी कारण से, तो उसके बच्चे को पढ़ाई के लिए, गरीब को बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, वो कहीं ना कहीं मजदूरी मेहनत माँ बाप के साथ करने निकल जाते हैं, तो उनके पढ़ाई में सहयोग मिल जाए, इसलिए 10वीं 11वीं के जो बच्चे उनको 11000 रुपए के एक स्कॉलरशिप के रूप में, अनुदान के रूप में, और 5100 रुपए जो बच्चे 5वीं 6वीं से लेकर और 9वीं 10वीं तक पढ़ते हैं, ये सहयोग के रूप में हम ONGC के माध्यम से यहाँ पर दे रहे हैं, तो उन गरीब लोगों को जो थोड़ी हेल्प मिल जाए और बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप को एक प्रेरणा मिले, वो कहें कि उनको, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको हेल्थ मिली, तो इससे प्रेरणा लेकर और भी जो गरीब लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ाने की तरफ अग्रसर करें, जिससे हमारे देश का हर बच्चा पढ़ पाए, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। इस प्रकार की योजनाओं को महत्व पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन अब मोदी जी के आने के बाद कंपनियां भी डर रही थी, हमने तो केवल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं, हम तो एजुकेशन में काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, पर डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में नहीं होता था। ये पहली बार मैं पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को भी धन्यवाद दूंगा, ONGC के चेयरमैन को भी धन्यवाद दूंगा कि इस प्रकार से पहली बार इन गरीबों की हेल्प की जा रही है। कितने लोगों को दिया गया? ये हमारी पार्लियामेंट में लगभग ऐसे 1500 के करीब परिवार हैं, हर विधानसभा में 100 से लेकर 125 परिवार हैं गरीब, जिनको हमने आइडेंटिफाइड किया है कि वो गरीब नीडी को ही मदद पहुंचे। हमारे कार्यकर्ताओं ने वो घर घर जाकर सूची बनाई है और घर घर सूची बनाकर गरीबों के लिए हम अनुदान के रूप में व्यवस्था कर रहे हैं। ये कौन कौन से वार्ड के लोगों को दिया गया? ये देवली जो विधानसभा है, देवली विधानसभा के 3 वार्ड हैं आज, ये 77, 78 और 76, ये 3 वार्ड है, तिगरी वार्ड और दूसरा एक हमारा वार्ड और इसका दक्षिणपुरी वार्ड है जो देवली विधानसभा का, उसको क्लब किया गया है हमने तुगलकाबाद एक्सटेंशन और तुगलकाबाद विधानसभा के 3 वार्डों के साथ में। इस प्रकार से प्रोजेक्ट बनाए, 2 विधानसभा का एक प्रोजेक्ट के रूप में व्यवस्था की गई है। 5 दिन पहले संगम विहार विधानसभा को थी, आने वाले सप्ताह में और अब तुगलकाबाद और कालकाजी विधानसभा के बच्चों को, उसके बाद छतरपुर मैरोली की तरफ हम और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों से निवेदन करेंगे। सर, ये आप ही लेके आए थे, जहाँ तक कार्यकर्ताओं से बात करके पता चले कि आप ही परिकल्पना थी और काफी दिनों से आप ही प्लान करके ये करवा रहे थे सर, इसलिए तो ये प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है कि उन्होंने 2014 में कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, गरीबों को किस प्रकार से उनको उत्थान के लिए हम सहयोग कर सके, उनको किस प्रकार से एक सम्मान निधि के रूप में उनके परिवारों में चली जाए कि वो बिचारी गरीब अगर बहन विधवा हो गई है, ये उसका कोई दुर्भाग्य नहीं है, एक्सीडेंटली उसके साथ में घटना घट गई तो उसके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ आगे बन सके, ये सोच बन। जैसे प्रधानमंत्री जी की सोच पे हमारे सांसद जी काम कर रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे लोगों को फायदा कराया जो आज तक देश में वंचित उपेक्षित पीड़ित लोग थे, जैसे शौचालय बना के, जैसे लोगों को मकान बना के, ऐसे ही सांसद जी ने सोचा कि ऐसे बच्चों तक जाया जाए, ऐसे परिवार तक जाया जाए जिनको एक्चुअल में प्रॉब्लम है, जैसे विधवा लेडी है, उनके हस्बैंड नहीं रहे, उनके बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में पढ़ाई ना छोड़ दें, तो ऐसा उनके दिमाग में आइडिया आया और उन्होंने अपनी जो वो चेयरमैन है पेट्रोलियम के कंपनियों से रिक्वेस्ट करके, आग्रह करके, और ऐसे लोगों को अपनी पूरी पार्लियामेंट में 1250 बच्चों को ये स्कॉलरशिप का पैसा दिलवाया। कौन से संस्था के द्वारा किया जा रहा? पेट्रोलियम के चेयरमैन है वो, तो पेट्रोलियम की बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे आज ONGC के माध्यम से, ज्ञान दृष्टि ट्रस्ट के माध्यम से पैसा। कितने लोगों को आज दिया जाएगा? आज टोटल 124 लोगों को देना था, लेकिन कुछ के डॉक्यूमेंट्स अधूरे थे, तो आज करीब 92 लोगों को, बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी।